बड़ी खबर के साथ इस बीच आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हुई। आज पहला दिन था, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनके संबोधन के साथ ही आपको बता दें उसके बाद संसद शुरू हुई, जोरदार हंगामा हुआ। लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे और अध्यक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। तो सभा स्पीकर जो है, आपको बता दें सभासद जो है उनके बीच और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष ने व्यापार निलंबन नोटिस प्रस्तुत किया। तो संसद का शीतकालीन सत्र आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। आज आपको बता दें पहले ही दिन संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही हंगामा भी देखने को मिला, जिससे संसद को स्थगित करना पड़ा। खासतौर पर अगर लोकसभा की बात करें तो 12 बजे तक आज के लिए स्थगित किया गया। हालांकि वही राज्यसभा की बात की जाए तो आज पूरे दिन के लिए राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। इसके साथ ही आपको बता दें जितने भी विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से बाकायदा एक लिस्ट तैयार है कि किस तरीके से जब दोबारा से सत्र की शुरुआत होगी तब जो है वो एक एक करके तमाम विषयों को लेकर केंद्र सरकार को घेरेंगे। हालांकि आपको बता दें जिस तरीके से एक औपचारिकता होती है सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक संबोधन मीडिया को दिया गया और खास तौर पर उन्होंने संसद की कार्यवाही को लेकर सुचारू रूप से चले और तमाम बातों को लेकर विपक्ष पर निशाना भी साधा। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो नए सांसद होते हैं नए विचार नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं सभी दल में आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं, सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खड़े नहीं उतरते हैं। देश की प्रतिष्ठा, देश का सम्मान, देश की आर्थिक सुरक्षा, देश की छवि सब दांव पे लगा दी है अडानी समूह ने। जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वहाँ की एक अदालत ने, ये किसी और का नहीं है आरोप, संज्ञान लिया है, जैसा मैंने कहा देश की आर्थिक सुरक्षा, देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ प्रश्न, पर आज की सर्वोच्च प्राथमिकता यही है। इसके साथ चुनाव में धांधली, प्रदूषण, जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, छात्रों की समस्या है, ये सब हम सिलसिलेवार विंटर सेशन में। We are having our parliamentary party meeting today, and then you will know what we will raise. And we are actually very happy to be back today on the back of this wonderful bipoll result in Bengal, where we have won 6 out of 6. 5 were sitting seats, and 1 seat in North Bengal, Madari Hat, which was a BJP MLA. We have now won again, so BJP is down to 66 in Bengal. So very happy about that, and there are a lot of very important issues that we will raise here.